ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का है और वो चैप्टर नंबर फिफ्थ है। इसके भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो आपके पास है क्वांटम नंबर्स। ठीक है जी, क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, जो किस साइंटिस्ट ने पेश किया था, वो आपके पास एक साइंटिस्ट है, इसके पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वो आपने इंट्रोडक्शन लाजमी पढ़ना है, जिसके भी में श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट का नाम लिया हुआ है, और उस श्रोडिंजर ने ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी बताई थी, जो कि आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर दिए। एनी हाउ, वो जो उसने श्रोडिंजर ने एक आपको जो है ना कंप्लीट एड्रेस दिया था, किसके बारे में, टू लोकेट द प्रोबेबिलिटी पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की जो लोकेशन है ना वो प्रोबेबिलिटी में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपको शायद, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, चांसेस है कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है ना उस जगह पे मिल जाए, उसको हम कहते होते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए जो आपके पास एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस को हम क्या नाम देते होते हैं, उस एड्रेस को हम नाम देते होते हैं क्वांटम नंबर्स नाम देते होते हैं। ठीक है जी, तो क्वांटम नंबर जो है ये आपको जो है ना इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। शुरू करते हैं, क्या चीज है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स फोर क्वांटम नंबर्स। वो कहते हैं जी जो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है ना एटम के बीच में, वो आपको कैसे पता चलेगी, वो जब तक आप ये चार क्वांटम्स के बारे में देना पड़ेंगे तब तक आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। ठीक है जी, ये चार क्वांटम नंबर जो है ये आपको इलेक्ट्रॉन की पोजिशन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताएंगे। क्वांटम नंबर्स आर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लोकेशन। ठीक है जी, क्वांटम नंबर जो है ये श्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन सॉल्व की थी, तो उस वेव इक्वेशन में ये चार नंबर ऐसे हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन की तरफ लेकर जाएंगे। नोट, क्या नोट है जी, दीज क्वांटम नंबर स्पेसिफाई पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वो कहते हैं जी ये जो आपके पास क्वांटम नंबर्स है ये आपको किसके बारे में बताते हैं, जी स्पेसिफाई पोजिशन, इलेक्ट्रॉन की पोजिशन के बारे में बताते हैं, और किस में बताते हैं, एटम के बीच में बताते हैं। देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स, आपके पास चार क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड द स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ये जो आपके पास है ना तीसरा क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहाँ पे जाके जो है ना आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ना स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसा चीज ये आपको लोकेशन के बारे में तो नहीं बताता, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में तो नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की दो तरह की स्पिन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। किसी जमाने में आपके क्वांटम नंबर सिर्फ ये तीन हुआ करते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये अब उन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को भी जो है ना इसमें ऐड कर दिया, उसने कहा जी ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये भी इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड ही है, तो लिहाजा हम इसको भी क्वांटम नंबर में ही ऐड करेंगे। लेकिन वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये आपके पास क्या क्वांटम नंबर्स है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह पता चलेगा, कहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन, कैसे हम इसकी लोकेशन के बारे में पता चलेगा। वन बाय वन हम इसके क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्यों बहुत ईजी होगा, क्योंकि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसी के बीच में जो आपने ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है,
क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा हुआ है कि जो बोहर के एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा था, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपने बोहर के पोस्टुलेट्स पढ़े हो ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि द शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। चलिए, द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स एटम, वो कहते हैं जी बोहर के एटम के बीच में, बोहर के एटम के मॉडल के बीच में जो एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल का मतलब है सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है जी। एनर्जी लेवल का मतलब है, एनर्जी लेवल का मतलब है सर्कल ऑर्बिट शेल्स, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होती है। द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स एटम इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है जी। जो सर्कुलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऑर्बिट्स आपके पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जैसा कि ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ एक डायग्राम, ये देखिएगा, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहला शेल है, एनर्जी लेवल 1। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द दूसरा शेल है, पहले शेल के बाद दूसरा शेल है, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, 5, 6 एंड सो ऑन। या फिर इनको हम अल्फाबेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, पहले शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे शेल को एल शेल कहते हैं, तीसरे शेल को एम शेल कहते हैं, और जो चौथा शेल है उसको हम कहते होते हैं एन शेल। अगर इसके बाद भी कोई शेल हुआ तो उसको हम ओ पी क्यू आर एस एंड सो ऑन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो आगे आते हैं रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, यानी कि आप ये नहीं लिखते कि एन इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब होगा? कि कोई शेल नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता कि एटम के इर्द गिर्द कोई शेल ना हो। तो लिहाजा जो एन की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, 1, 2, +1, +2, +3, +4, और कहाँ तक होगी? इन्फिनिटी तक होगी, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये सारे प्रॉपर एक मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आप चाहे इसी को लिख लें। अनदर रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को और किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स। मैंने पहले कहा था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम शेल भी कहते हैं, उनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स, दैट इज के एल एम एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एन इज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब है वो पहला शेल है, इसका मतलब है वो के शेल है। अगर एन इज इक्वल टू 2 हो, आपके पास ये एन इज इक्वल टू 2 हो, तो इसका मतलब है वो दूसरा शेल है, और उस दूसरे शेल को हम क्या कहते होते हैं? एल शेल भी कहते होते हैं। एन इज इक्वल टू आपके पास 3 हो तो इसका मतलब है वो थर्ड शेल है, उसको हम एम शेल भी कहते हैं। एन इज इक्वल टू 4 हो उसको हम फोर्थ शेल भी कहते हैं, और एन शेल भी कहते हैं। अगर आपने कैलकुलेट करना है कि शेल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो आपके पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। यानी कि अभी हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चली है, और वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पे पता चली है? वो पता चली है जी शेल के बीच में। अभी हम शेल के बीच में घुसे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है जी। ले जी, तो अगर आपने देखना है कि शेल के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n2। एन की जगह पे वैल्यूज पुट करें, इस वाले एन की जगह पे वैल्यू पुट करें, आपको पता चल जाएगा कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेट्स से एन इज इक्वल टू 1 हो तो इसका मतलब है वो के शेल है। अब मैं देखना ये चाहता हूँ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एन की जगह पे 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वेयर क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यानी कि फर्स्ट शेल कॉन्टेन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 से कम आ सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। एन इज इक्वल टू 2, यानी कि के शेल है, तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। एन इज इक्वल टू 3, एम शेल है,
तो अगर मैं यहाँ पे एन इज इक्वल एन की जगह पे 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 2 9 क्या होगा 18 होगा। ठीक है जी, तो इसी तरह जो आपके पास एन इज इक्वल टू 4 है, एन इज इक्वल टू 4 का क्या मतलब है, एन शेल यानी कि चौथा शेल। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एन की जगह पे 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। 32 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ एन डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता चल रही है अगर आपको एन की वैल्यू पता चल जाए। अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, अगर एन की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है। रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड आर। ठीक है जी, एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल नंबर, और आर का मतलब है रेडियस। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, इसकी हमने बड़ी एक प्रॉपर डेरिवेशन की थी बोहर एटॉमिक मॉडल में, डेरिवेशन ऑफ रेडियस। रेडियस और एन का कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है उसका न्यूक्लियस से फासला भी ज़्यादा होगा। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन एंड एन रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड ई। ई एनर्जी, एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखने को तो इनवर्स रिलेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन नज़र आ रहा होगा। नेगेटिव साइन की वजह से एनर्जी और एन के दरमियान कौन सा रिलेशन हो गया है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया है, क्योंकि माइनस उसको उलट कर देगा। वैसे तो इनवर्स है लेकिन माइनस की वजह से डायरेक्ट हो गया। अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आ शेल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, पहले पहला शेल है, फिर दूसरा शेल, तीसरा शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो रेडियस भी बढ़ रहा है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, बड़ा इजी सा टॉपिक था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपने लाजमी याद करना है। ठीक है जी, तो अगले लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे एज ए म्यूटल क्वांटम नंबर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।